हेलो हेलो, पीछे का मॉनिटर खोलो बेटा। हेलो हेलो, बेस बढ़ाओ इसका। हेलो हेलो, बस रहने दो भैया, थोड़ा वॉल्यूम बढ़ाओ और कुछ नहीं। आइए, जैसा कि शंभू जी ने मेरे लिए आदेश पारित किया, आदेश नहीं हो सकता भाई, छोटा अपना काम करता है, निवेदन ही है, बड़ा अपना काम करता है। आपका निवेदन इस मंच पर आने के बाद वो आदेश बन जाता है। अगर हम यहां आए हैं तो किसी चीज के लिए आए हैं। आइए एक छोटा सा भजन, क्योंकि बहुत हमारे साथी कलाकार बैठे हुए हैं, मैं किसी का समय जाया नहीं करना चाहता, और जवाबी कीर्तन की विधा से शायद अब मैं धीरे धीरे अछूता होता जा रहा हूं। कारण है उसका हेलो कि मैं दूसरी विधा की ओर मुड़ चुका हूं। सभी लोग जानते हैं, कुछ अधिक बताने की आवश्यकता नहीं है। तो आइए एक छोटा सा कीर्तन कह लें, सवाल कह लें, या कोई भी इसे रूप दे सकते हैं आप, ये आपकी इच्छा पर निर्धारित करता है। कहाँ चलती है हलचल जी? नहीं नहीं, सामने मत सुनो, बैठ के साथ इधर साथ में आओ। लंका जलाकर आए बजरंग, मन में प्रभु हर्षाए, क्यों फूंकी है लंका तुमने, हरि ने वचन सुनाए। मैंने तो कहा था कि सीता को देख करके तुम वापस आ जाना, लेकिन तुमने लंका जला दी। हनुमान जी ने चरणों में सर झुकाकर कहा, महाराज जय हो, मैंने लंका जलाई। हनुमत बोले, गलती होता है तो क्षमा करिएगा, क्योंकि हनुमत बोले, क्यों आरोप लगाते प्रभु जी? हनुमत बोले, क्यों आरोप लगाते प्रभु जी? अति मन में दुख सहने लगे, मैंने जलाई है ना लंका, कर जोड़ प्रभु से कहने लगे। बोले मैंने लंका जलाई। अरे जिस व्यक्ति के शरीर में आग लगी हो, वो पहले अपनी आग बुझाएगा कि आग कहीं और लगाएगा? और मेरी सबसे प्यारी प्रिय चीज में आग लगी थी, मेरी पूंछ में, तो मैं तो प्रभु
राम राम कहता बुझाने के चक्कर में भाग रहा था, अब पीछे आग लगती चली जा रही है, इसमें दोष मेरा क्या है? मैं तो अपने प्राण बचाने के लिए भागा। वाक्य चातुर्यता में श्री हनुमान जी का कोई जोड़ नहीं है। जब इतना कहा तो राम जी हंसने लगे, तो बोले आग क्या अपने आप लग गई? बोले नहीं, उसके कारण हैं। आग लगने के कारण हैं, कौन कौन कारण हैं? तो हनुमान जी ये बताते हैं बहुत संक्षिप्त में, क्योंकि बहुत साथी कलाकार बैठे हैं। आज मैं भी बहुत दिन बाद जवाबी के मंच पर आया हूं, तो मैं भी सुनने की इच्छा रखता हूं। अच्छे अच्छे हमारे साहित्यकार बैठे हुए हैं, माता दीन जी हैं और मास्टर साहब हैं, बहुत लोग हैं, तो मैं भी सुनने की इच्छा से आया हूं। अब जबरदस्ती सुनाना पड़ रहा है, सुनिएगा। कहते हैं क्या बस भजन सुनिएगा या कीर्तन कह लें, क्या बात? रिम झिम के, रिम झिम के, सभी ने सुना होगा माता दीन जी। अच्छा, रिम झिम के संग है, बहुत कम सुनने को मिलेगा। और एक समय था कि इसे मैं जानबूझकर गाया करता था, और गाने का कारण भी कई अलग थे। अब तो फिल्मी गाने में डर लगने लगा है, जैसा शंभू जी ने कहा, मैं उधर ही गया जिधर इस विधा ने बढ़ने का काम नहीं किया। सुनिएगा, अग्नि के ताप से जली नगरी, अग्नि के ताप से जली नगरी, सगरी सोने की रघुराई। क्या पहला कारण? अग्निदेव। जिस समय हनुमान जी को सन्मुख लाया गया, अग्निदेव कौन है? भगवान सूर्य के भाई, और भगवान सूर्य हनुमान जी के गुरु। जब वो गुरु हैं और गुरु भाई कह रहा है कि इस आतताई के सितम से मुझे बचा लो, मुझे किसी तरह यहां से निकालो, तो हनुमान जी ने कहा अभी मेरी पूंछ में आग लगाई जाएगी, जिस तरीके गंगा का पानी जमुना में डाल दिया जाए नहीं पता चलता, उसी प्रकार अग्नि को अग्नि में लगा दिया जाए तो कौन सी अग्नि कहां की है ये पता नहीं चलता। तो आओ मैं तुम्हें आमंत्रण देता हूं, जिस समय मेरी पूंछ में अग्निदेव बैठे, रावण के द्वारा किए जुल्मों सितम उन्हें याद आ गए, छोटी सी चिंगारी शोला बन गई, मैंने नहीं जलाया, जलाने वाले पहले अपराधी भगवान अग्निदेव। अग्निदेव ने लंका जलाई। बोले दूसरा कौन है? सुनिएगा,
कहने लगे मैंने कुछ भी किया नहीं है, मैंने कुछ भी किया नहीं है, मैंने कुछ किया नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया, जो मैं कहता हूँ सच बस वही है, क्या? तो कहने लगे प्रभु पहला अग्नि का ताप और दूसरा राम के जाप से जली नगरी सगरी सोने की रघुराई धन्यवाद। हलचल जी बहुत दिन बाद गा रहा हूं, हो सकता कुछ त्रुटियां हो जाएं, क्षमा प्रार्थी हूं। ये 101 रुपए का पारितोषक पत्र हमारे प्रिय अनुज शंभू हलचल जी जिन्हें आप सुन रहे थे अभी हलचल मचा रहे थे। शंभू तो वैसे बड़े गंभीर नजर आते हैं लेकिन ये शंभू अलग है, ये हलचल मचा देते हैं। ये एक और पुष्पहार और उसके साथ 50 मुद्राओं का पारितोषक पत्र है। अनेकानेक आपको शुभकामनाएं, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हनुमान जी ने कहा प्रभु मैं राम राम कहता चला जा रहा था और आग लगती चली जा रही थी। ये हमारी बहुत ही प्रिय बच्ची राखी आजाद जो किसी बंधन में नहीं रहती है, आजाद है। एक चंद्रशेखर आजाद हुए थे, दूसरी ये राखी आजाद। ये आपकी तरफ से भी 50 मुद्राओं का पारितोषक पत्र है। बहनों बेटियों को शुभकामनाएं हमारी ओर से। मैं गा तो अब नहीं सकता क्योंकि लेखन अब शुरू है, इसलिए गाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। हनुमान जी ने कहा मैं राम राम कैसा चला जा रहा था और लंका में आग लगती चली जा रही है। बोले अच्छा और कौन अपराधी है? तो कहने लगे भगवान सुनिए, राजा पद्माक्ष की थी एक कन्या दुलारी, राजा पद्माक्ष की एक कन्या दुलारी, पद्मा था जिसका नाम वो नाचों पली प्यारी, हरि से लगी लगन उसकी लेकर के घर से विदाई, नारायण को पाने के लिए जंगल सखी संग आई। एक दिन उसी रस्ते से
योद्धा रावण है आया, देखा कुंवारी कन्या को तो मन में ललचाया। जब ललचाया पुष्पक से उतर करके, पुष्पक से उतर करके मन में पीड़ा सहने लगा। पद्मा से रावण हंस करके कुछ इस तरह कहने लगा, कहने लगा क्या, मैं लंका का राजा हूं, तुम बन जाओ कर रानी। मैं लंका का राजा हूं, तुम बन जाओ कर रानी। दुनिया में अमर होगी मेरी तेरी प्रेम कहानी। लेकिन पद्मा ने कहा क्या, मैं नारायण के चरणों से मैंने लगन लगाई, जो सोचता है रावण नहीं हो सकता ये भाई। क्या जब रन्नू से पकड़ने के लिए रावण ने कला दिखाई, तब अग्नि कुंड में पद्मा हरि नाम ले समाई। वो अग्नि के कुंड में उसी समय पद्मा नाम की कन्या समा गई, और जब समा गई तो कहने लगी कि जैसे मैं जल रही हूं, सुन रावण, एक दिन तेरी लंका नगरी में सीता बनकर आऊंगी और तेरी सोने की लंका जला दूंगी। तो हनुमान जी कहने लगे क्या, धन्यवाद इन तालियों के लिए, ये तालियां बहुत कम मिलती हैं। जबकि जवाबी हलचल लिखी है और तालियां पप्पू को मिल रही हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शायद कहीं तक अभी जिंदा हूं मैं इस विधा में। धन्यवाद धन्यवाद। हमारे द्विवेदी जी, सुनील द्विवेदी जी, ओहो ढोलक मास्टर, आज तो हम बड़े परेशान से हैं। कहने लगे कि महाराज ये वही पद्मा है जो सीता बनकर के आई है, और आज सीता के सीता के श्राप से चली नगरी सगरी, सोने की रघुराई, सोने की रघुराई, सोने की रघुराई, सोने की रघुराई। आखिरी बात, अब निपटा तो दिया है, आखिरी बचा है। अंत में भगवान राम ने कहा कि वो चौथा अपराधी कौन है जिसने लंका जलाई। तीन तो हो गए, पहला अग्नि, दूसरा सीता के श्राप से, और तीसरा मेरे जाप से राम राम कहते जा रहे थे, आग लगती जा रही थी। चौथा कौन है जरा सुनिएगा, चौथा बता रहा हूं। भगवान शंकर ने जब प्रभु राम के लिए वानर का रूप रखा, बस आनंद मंगल चल रहा है। हमारे जगदेव मास्टर साहब आपकी ओर से ये 51 रुपए का पारितोषक पत्र मुझे और 21 रुपए हमारे ढोलक वादक को। सुनिएगा मास्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ बोले हनुमान जी, कहने लगे
जिस वक्त मैं प्रभु सेवा के लिए आया, वानर का रूप मैंने कैलाश पे बनाया। उस वक्त जुदाई ना सह पाई गौरा रानी, रो करके बोली मुझसे, देखो जी ऐसी वाणी। कहने लगी क्या? तुम जा रहे हो साजन, कैसे मैं जीऊंगी तुमसे जुदाई, भोलेनाथ कैसे सहूंगी। तो बोले चाहती क्या हो? तो कहने लगी गर हो सके तो मुझको, गर हो सके तो मुझको भी साथ ले चलो, हाथों में अपने पकड़ मेरा हाथ ले चलो। हनुमान जी बोले बावरी हो गई क्या, मैं वहां ब्रह्मचारी बन करके जा रहा हूँ, तुझे लेकर के कैसे रहूंगा। पार्वती जी बोली महाराज अगर हो सके तो। धन्यवाद। कीर्तन उत्थान समिति के अध्यक्ष महोदय हमारे नामा राशि जथा नामो तथा गुण, लेकिन अभी तक कोई गुण दिखाई नहीं पड़ा है पप्पू वाला, हमें जरूर दिखाई पड़ेगा इस उम्र में भी। अब ये बात अलग की मंच हमारा नहीं है, आपकी तरफ से ये प्रोत्साहन स्वरूप मुझे पुरस्कार प्राप्त हुआ पप्पू जी को। हाँ बस यही है, थोड़ा डर लग रहा है, बहुत दिन बाद जब कहीं कोई जाता है तो उसमें संकोच होता है, तो मेरे अंदर भी संकोच है, बहुत दिन बाद आए। अनेकानेक हमारे सोहन बैरागी जी शुभकामनाएं, संरक्षक कीर्तन कला मंच रायबरेली हमारे बैरागी जी आपकी तरफ से ये 200 मुद्राओं का पुरस्कार है, अनेकानेक आपको शुभकामनाएं। सुनिएगा, कहने लगे क्या? अचानक मन में आया तो झूम झूम के देखा, शिव को भवानी माने घूम घूम के देखा। शंकर जी बोले क्या हो गया, अभी तो रो रही थी अब मुझे घूम घूम के तू देख रही है और हंस भी रही है, कारण क्या? क्या? तो कहने लगी पार्वती जी महाराज सब कुछ सजा है तेरा, बस एक की कमी है, संपूर्ण बानर हो पर प्रभु जी ये पूछ नहीं है। सब कुछ आपने बना लिया लेकिन महाराज आपके पूछ नहीं है, और जब तक ये पूछ नहीं होगी तब तक संसार में आपकी पूछ नहीं होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। बोले क्या करूं, अब उस समय आर्टिफिशियल तो चलता नहीं था। उमेश श्रीवास्तव जी आपकी तरफ से ये पुरस्कार आया है, शुभकामनाएं, अनेकानेक धन्यवाद। हमारे माननीय श्री मनोज कुमार जी त्रिवेदी सदस्य कार्यकर्ताओं के लिए अध्यक्ष क्लब मुख्य जीवन बीमा सलाहकार प्रधान चिंता खेड़ा भोजपुर जिला रायबरेली आपकी तरफ से प्राप्त हुआ है, प्रधान जी को प्रधान नमन है। अब देखिए राखी आजाद जी आपकी तरफ से ये एक पुष्पहार, आपकी तरफ से नहीं आपके उनकी तरफ से यानी आपके राइटर महोदय की तरफ से, और राइटर 101 का पुरस्कार दे रहा है, तो राखी तुमको तो कुछ और देना चाहिए था। चलो
पूछो तो रखे हो, अच्छा अभी नहीं हुआ। धन्यवाद। आइए अंतिम बात की तरफ, अंतिम बात, ज्यादा समय आपका नहीं लूंगा। जब पार्वती जी ने कहा कि महाराज पूछ नहीं है आपके पास, कैसे पूछ होगी आपकी संसार में, बैठ जाओ भैया, बैठ जाइए। अच्छा तुम और समय खराब कर रहे हो, बैठ जाओ, पेमेंट नहीं दिए हो, आराम से बैठो, आराम से बैठो, हम कह रहे ना आराम से बैठो आप। अरे प्रधान जी बैठिए, आराम से बैठिए। पप्पू भैया ये आप मान लीजिए जो प्रस्तुति दे रहे हैं राजू भैया, वो प्रदेश स्तर की प्रस्तुति है, और विश्वास रखिए। नहीं नहीं मैं समझ रहा हूँ आप भी आयोजक हैं, बहुत अच्छे आयोजकों में हैं प्रधान जी पप्पू भैया, इनकी बात को हृदय से न लीजिए, ये सिर्फ राखी जी की प्रस्तुति सुनने के लिए आए विशेष। मैं समझ सकता हूँ, मुझे मालूम है ये क्यों बैठे हुए, वो प्रस्तुति अभी आप रख लो, थोड़ी देर थोड़ा ध्यान दीजिए, हल्का सा ध्यान दीजिए, थोड़ा हम रख लो, फिर तो राखी राखे आ ही रही है, काहे परेशान हो। सुनिएगा अंत में उन्होंने कहा, आदेश हो तुम्हारा मैं प्रेम से रपट जाऊं, गर पूछिए नहीं तो बन के पूछ मैं लटक जाऊं। अगर आदेश हो तो मैं पूछ बन करके स्वयं लटक जाऊं इसमें। शंकर जी ने कहा लोग जानेंगे तो क्या कहेंगे, मुझे कौन जानेगा, कैलाश में कौन है, हम हैं और आप हैं, इसके अलावा कौन। पार्वती जी पूछ बन करके लटक गए। जब रावण के दरबार में हनुमान जी को प्रस्तुत किया गया तो रावण की निगाह सबसे पहले हिलती हुई पूंछ पर पड़ी। बोले शंकर जी तो गुरु हैं, इनसे कोई नुकसान होगा नहीं, लेकिन ये जो पूंछ है ये मामला गड़बड़ कर सकती है। जय हो। तो उसने आदेश दिया कि इस बानर की पूंछ में आग लगा दो। जब पूंछ ने ये सुना तो कहा, आजा तू पास मेरे, मैं करके दिखाऊंगी, परसों का है प्रतिशोध जो वो आज चुकाऊंगी। तू मांगने गया था धोखे से मेरी लंका, तू मांग ले गया था धोखे से मेरी लंका, तू वीर कितना है मिटा दूं तेरे दिल की शंका। जिस तरह दिल जला है बरसों से, जिस तरह दिल जला है, मैं बदला चुकाऊंगी, तू आग लगा मुझ में, मैं तेरी लंका जलाऊंगी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ये चार कारण हैं और ये चार राज हैं। आपकी ओर से श्री रिंकी तिवारी एंड पार्टी, आपकी तरफ से भी पुरस्कार आया है, शुभकामनाएं। तो उन्होंने कहा महाराज अब बताइए, अग्नि के सोने रख रही। बोलिए हनुमंत लाल की जय। अगर ये प्रस्तुति अच्छी लगी है तो बाकी कोई हाथ रुकना नहीं चाहिए, दोनों हाथों को उठाकर एक जोरदार
करतल ध्वनि हो जाए सभी लोगों की। बहुत सुंदर प्रस्तुति बड़े भैया, बस दो पंक्तियां वो सुनना चाहूंगा